तो हो गया है, प्रारंभ करते हैं। मैं पाठ कर रहा हूँ। ओम सनो बंधु जनिता सविधाता धामानि वेद भुविनानि विश्वा यत्र देवा अमृतम आनसानाः प्रतीये धामन अधि विस एरयंत। मंत्रार्थ स वह नो हमारा बंधु संबंधी जनिता उत्पन्न करने वाला स वह विधाता विधान करने विशेष धारण करने वाला धामानी धामों को विश्वा सब भुवनानि भुवनों को वेद जानता है। यत्र जहाँ देवा प्रकाशमान अमृतम अमृत को आनसाना असन करते हुए तृतीय तीसरे धामन धाम में अधिएरयंत अधिगत अधिप्रेरित प्राप्त होते हैं। भावार्थ परमात्मा ही हमारा अपना है, वही हमारा बंधु है तथा उत्पन्न करने वाला भी है। वही संपूर्ण सृष्टि संचालन का विधान बनाने वाला विधाता है। वही है जो सभी भुवनों को जानता है। अन्य किसी की सामर्थ्य इतनी नहीं है कि सब कुछ जान सके। जीव का ज्ञान सीमित ही होता है। जहाँ हम रहते हैं तथा जितना हम जानते हैं वह तो हमारे लिए पहला धाम है ही। उसके अतिरिक्त जो सृष्टि है वह दूसरा धाम कहा जा सकता है। इन दोनों धामों के अतिरिक्त जो कुछ है वह परमात्मा का शुद्ध चेतन मूल स्वरूप है, वही तीसरा धाम है। उसको जानकर उसका अनुभव करके ही अमृत अमृत तत्व का पान कर सकते हैं। धातुवादी निरुक्त स सर्वनाम नो सर्वनाम बंधु बध बंध बांधना वध करना जनिता जन उत्पन्न होना उत्पन्न करना विधाता वी उपसर्ग धा धारण करना धामानी धा धारण करना पोषण करना रक्षा करना दान करना विश्वास सर्वनाम भुवनानी भू होना वेद विद जानना यत्र सर्वनाम देवा दिव प्रकाश करना स्तुति करना आनंद करना प्रीति करना अमृतम अ उपसर्ग मृ मरना आनसानाह आ उपसर्ग अन उपसर्ग अस व्याप्त होना प्राप्त होना नस व्याप्त होना नष्ट होना तृतीय संख्या धामन धा धारण करना रक्षा करना दान करना अधि उपसर्ग एरयंत आ उपसर्ग री जाना इर जाना प्रेरणा करना। ओम खं ब्रह्म। यजुर्वेद अध्याय 32 दशम मंत्र आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम सनो बंधु जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवाय अमृतम मानसाना परमपिता परमेश्वर का वर्णन किया जा रहा है। इसको वेद में स्तुत कहते हैं। गुणों का यथावत वर्णन करना, जो कुछ जो गुण जैसा है वैसा ही वर्णन करना, इसी को स्तुति कहते हैं। सत्य गुणों का वर्णन करना काल्पनिक अध्यारूप नहीं। कहते हैं सनो बंधु सा वह परमेश्वर नो हमारा बंधु हमारा बंधु।
हम उससे बंधे हैं, वो हमसे बंधा है, हम एक दूसरे से अलग नहीं है, इसीलिए वह हमारा बंधु है। व्यापार हम सब एक दूसरे से संबंधित हैं। सनो बंधु वह हमारा बंधु है। जनिता वह जनिता उत्पन्न करने वाला भी है, जन उत्पन्न करना, जनिता उत्पन्न करने वाला, वह हमारा बंधु है, वह हमारा उत्पन्न करने वाला है, सा विधाता वही विधाता है, वही विधान करने वाला, सृष्टि के संचालन का संपूर्ण विधान वही करता है। धामानि वेद विश्व भुवनानि विश्वा, धामान धामों को, धाम का बहुवचन है, धामान धामों को वेद जानता है, यह वेद क्रिया है, संज्ञा विशेषण नहीं, वेद धातु का यह क्रिया रूप है, वेद जानता है, धामान वेद धामों को जानता है, भुवनान भुवनों को, विश्वा सभी, वह परमेश्वर सभी भुवनों को सभी धामों को जानता, हम सभी भुवनों को सभी धामों को नहीं जान सकते, इस विराट अनंत सृष्टि को हम नहीं जान सकते, हमारे लिए यह सृष्टि भी अनादि अनंत है, उसके लिए नहीं है यह सृष्टि, उसका तो एक छोटा सा अंश मात्र है, उसकी तुलना में तो बहुत छोटा सा अंश है, उसका एक अंश है, ये कहा गया कि उसका त्रिपाद तीन अंश तो सदा मूल दिव्य चेतन स्वरूप में अवस्थित है, एक पाद एक अंश ही सृष्टि के रूप में व्यक्त होता है, और वह सृष्टि भी हमारे लिए अनादि अनंत होता है, तुलनात्मक होता है, ये किसी के लिए बहुत बड़ा है, किसी के लिए बहुत छोटा है, वो तो जहां जैसा जितना है उतना है, परमेश्वर के लिए वह एक अंश है, छोटा है, हमारे लिए वह अनादि अनंत जैसा है, जब कह सकते हैं परम सत्य के रूप में परमात्मा अनादि अनंत है, जब वो उसका छोटा है तो सृष्टि को अनादि अनंत नहीं कहा जा सकता, परंतु हमारे जानने समझने की सामर्थ्य की तुलना में वह अनादि अनंत जैसा है, इस प्रकार कह सकते हैं, तो उसको संपूर्ण रूप से धामान वेद भुवनान विश्वा, विश्वा अर्थात सभी भुवनों को सभी धामों को वह जानता है, हम नहीं जानते, वह जानता है। यत्र देवा अमृतम आनसाना, यत्र जहां देवा देवगण अमृतम अमृत को आनसाना, आ सम्यक समन्तात रूप से उसका पान करते हैं, अस्का अर्थ व्याप्त होना प्राप्त होना, नस का अर्थ भी व्याप्त होना नष्ट होना भी है, सामान्यता इसका अर्थ सभी ने अमृत का पान करना किया, यत्र देवा अमृतम आनसाना, जहां देवगण अमृत का पान करते हैं। अस धातु का अर्थ हम जानते हैं, खाना ग्रहण करना भोजन करना होता है, अस असन और अनसन, ये असन का ये वैदिक रूप हो सकता है, अनसाना के रूप में किसी रूप में, क्योंकि ये तो हम लोग जानते ही हैं कि वैदिक भाषा की व्याकरण अभी हमको उपलब्ध नहीं है,
संपूर्ण व्याकरण पाणिनि द्वारा संपादित या पाणिनि प्रोक्त रूप में हमें उपलब्ध है, जो व्याकरणाचार्यों में अंतिम है और उनके समय में लौकिक संस्कृत प्रमुख थी, उन्होंने लौकिक संस्कृत का व्याकरण तो स्पष्ट रूप से दिया है और वैदिक प्रयोगों के लिए कह दिया इति वेदे बहुलं छंदसि आदि। तो अपने समय की व्याकरण पर उन्होंने ध्यान दिया। जो उनके पहले के व्याकरणाचार्य हैं, उनके समय वैदिक भाषा व्यवहार में थी, उस उनके व्याकरण में वैदिक भाषा का व्याकरण मिल सकता था, वो अभी सुलभ नहीं हो पाया है। पाणिन से पूर्व काशकृष्ण का धातु पाठ अवश्य मिला है, उससे अनेक नवीन धातुएं प्राप्त हुई जो पाणिनि धातु पाठ में नहीं थी। इससे वेद के अनेक शब्दों का अर्थ समझना संभव हो सका, जो पहले कठिन था जब ये प्राप्त नहीं हुआ था। परंतु फिर भी अभी हमको, आपको, सब लोगों को प्रयास करना चाहिए कि वैदिक भाषा का व्याकरण परिश्रम करके खोजा जाए, प्राप्त किया जाए, उसे प्रस्तुत किया जाए, तो कुछ समस्याएं और भी हल हो सकती हैं। वेद का अर्थ करने में जो कहीं कहीं कुछ इस प्रकार की बातें मिलती हैं, तो वो हमें प्रयास करना होगा। कह रहे हैं तृतीय धामन अधि आयरियंत, तृतीय धामन तृतीय धाम में, तीसरे धाम में अधि आयरियंत प्राप्त होते हैं। तत्र यत्र देवा अमृतम आनसाना तृतीय धामन अधि आयरियंत, जहां देवगण अमृत पान करते हैं उस तृतीय धाम में हमें अधिकृत रूप से प्राप्त होते हैं, वह अमृत स्वरूप, वह परमेश्वर का दिव्य स्वरूप, उसका मूल स्वरूप उस तीसरे धाम में प्राप्त होता है। अभी तीसरा धाम कहा गया है इस मंत्र में, तो इतना ही कहा गया, तीसरे धाम की बात की गई, पहला और दूसरा धाम क्या है ये नहीं बताया गया। ये हमारे आपके अनुमान के लिए छोड़ दिया गया। तो एक यही कह सकते हैं, एक हमारा अपना संसार है, एक इस पृथ्वी से परे जो संसार है, जो सृष्टि है हम कह लें, और इस सबसे परे जो विशुद्ध दिव्य चेतन स्वरूप परमात्मा का धाम है, उसी को तीसरा धाम कहा समझा जा सकता है। और किसी रूप में इसकी व्याख्या कोई कर सके, संभव हो तो वह भी प्रयास किया जा सकता है। अभी तो इतना ही समझ में आ रहा है। तो इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ विराम दे सकते हैं। कल रविवार है, कल प्रातः 11 बजे विशेष खुला सत्र होगा इस वेद कक्षा का, साप्ताहिक वेद कक्षा खुला सत्र, जिसमें सनातन धर्म से संबंधित हम सभी प्रश्न कर सकते हैं। उसमें खुलकर चर्चा हम किसी भी विषय पर कर सकते हैं। सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न, कोई भी विचार प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हम यही चाहेंगे कि अच्छा हो कि हम लोग तैयार होकर कल सभी प्रश्नों के साथ मिलें। आज की कक्षा में भी जो कुछ समय है हमारे पास, कुछ प्रश्न विचार ले सकते हैं, परंतु मन में ये रखें कि विस्तार से चर्चा करने के लिए कल हम लोग मन बनाकर मिलें। तो हम अपनी बात को यहाँ विराम देते हैं। आपके जो भी प्रश्न विचार हो रख सकते हैं, और कल प्रातः 11 बजे तो हम लोग विस्तार में चर्चा करेंगे। प्रणाम गुरु जी। यहाँ पर धाम मतलब लोकेशन या स्थान से? कह सकते हैं, परंतु यहाँ अर्थ थोड़ा सा व्यापक है। इसको
लोकेशन स्थान एक आप सीमा रेखा खींच दें कि बस इतना हुआ, ये थोड़ा संकीर्ण अर्थ है, थोड़ा व्यापक स्तर पर आए। यहाँ धाम का अर्थ अब्स्ट्रैक्ट भी हो सकता है, यूं भी कह सकते हैं, वो तीन स्तर भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने कहा सामान्यता। हाँ, इस प्रश्न को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। बहुत शब्दशः वो बात सत्य हो या न हो, यद्यपि असत्य भी नहीं है, थोड़ा सा अगर ध्यान दे जो हम कहना चाहते हैं। वेद में एक पद बहुत आता है, द्यावा पृथ्वी। जिन्होंने वेद का कुछ अध्ययन किया है वे इस पद से परिचित होंगे, द्यावा पृथ्वी। द्यावा और पृथ्वी, त्यूलोक और पृथ्वी लोक, दो लोक। मुख्य रूप से इस सृष्टि को हमने यहां बैठकर दो भागों में विभाजित कर दिया, एक तो पृथ्वी और पृथ्वी के अतिरिक्त जो भी ग्रह नक्षत्र आदि हमको दिखते हैं प्रकाशमान, इन सबको हमने एक संसार, एक लोक मान लिया। अब व्यवहार में हम आप सब जानते हैं कि इतने विशाल इस सृष्टि में एक छोटी सी पृथ्वी तो एक बिंदु के समान है, परंतु हमने अपनी सुविधा के अनुसार, क्योंकि हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, इसी से हम पूरी तरह परिचित हो सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो हमने माना कि एक तो हमारा प्रमुख संसार वही है, ये पृथ्वी जहां हम हैं, ये हमारा धाम। धातु का अर्थ है धारण करना, धाम का अर्थ भी वही धारण है, जिसे द्वि धातु का अर्थ धारण करना, उसी से धर्म शब्द बन गया। वो धर्म शब्द का भी अर्थ वही है और धाम शब्द का भी अर्थ वही है, एक प्रकार से जो भी समझ सकते हैं, धाम और धर्म शाब्दिक अर्थ में तो एक समान हो गए। तो जो हमें धारण करता है वो धाम है, यहाँ इस प्रकार का अर्थ ले लें। धर्म में कहा जाता है जिसे हम धारण करते हैं वो धर्म है, तो जितना अर्थ वहां भी है, हम धारण करते हैं वो नियम हमें धारण करते हैं, उसी से जीवन चलता है, वही धर्म है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर भौतिक व्यवहारिक रूप से जो हमें धारण करता है उसे धाम कहा जा रहा है, जैसे पृथ्वी एक धाम है जो हम सबको धर रहा है, ये पृथ्वी, ये भूमि सब है ना, तो सबको ये पृथ्वी ही धारण किए हुए, इसलिए ये पृथ्वी भूलोक धाम है। और इसी प्रकार से दूसरा जो हम इतनी दूर से देख रहे हैं, पूरी तरह तो उनको समझ नहीं पा रहे हैं, आज भी देखिए प्रयास हो रहा है, अभी चंद्रमा और मंगल को समझने का प्रयास अभी चल रहा है, कितना पहुंच पाए हैं, कितना समझ पाए हैं। और अति प्राचीन काल में जब इस तरह की तकनीक आदि के विषय में कुछ नहीं था, केवल हम बौद्धिक स्तर पर उसे समझने का प्रयास करते थे, तो एक प्रकार से जब लोगों ने ये मान लिया द्यावा पृथ्वी, एक पृथ्वी लोक और दूसरा संपूर्ण देव लोक, तो उसे अनुचित भी नहीं कहा जा सकता। इसे पश्चिमी भावभूमि में भी कहा गया मालिके दो जहां, इन दोनों जहां पृथ्वी और द्यावा, तो दोनों का जो स्वामी है, दोनों का जो मालिक है, तो ये तो दो लोक हो गए, पृथ्वी और देव लोक, और इन सबसे परे जो एक तीसरा लोक हो सकता है जो उस परमेश्वर का दिव्य लोक है, इसे भावना कह ले, कल्पना कह ले, अनुमान कह ले, या बौद्धिक स्तर पर चिंतन से हमने उसे जाना समझा, जो सृष्टि से परे परमात्मा का दिव्य स्वरूप है, जो वेद हमको स्पष्ट बता रहा है, उसे तीसरा धाम, तीसरा स्थान, तीसरा लोक कह दिया गया। तो इसको थोड़ा सा इस प्रकार समझने का प्रयास करें तो अधिक उपयुक्त है। इसको कोई सीमा रेखा खींचकर स्थान न बता दें कि जैसे हम नगर, ग्राम, प्रांत, देश कहते हैं, उस रूप में धाम कहना थोड़ा अधिक उपयुक्त नहीं प्रतीत होता मेरे विचार से। शेष आप सब लोग प्रबुद्ध हैं और विचार करने के लिए स्वतंत्र हैं, वो कहिए। स्वामी जी, यदि आपकी आज्ञा है तो एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, ये मंत्र से थोड़ा अलग है। तो वैसे कल प्रातः काल के लिए रखो, अगर अतिरिक्त प्रश्न है तो उसमें थोड़ा चर्चा भी हो पाएगी, अगर छोटी मोटी बात। मैं ये जानना चाहता था स्वामी जी कि ये रित और सत्य, ये दो शब्द हैं,
रित और सत्य में क्या अंतर होता है और ये क्या है? देखिए, सत्य का आशय तो ये है कि जो है, जिसका अस्तित्व तो है, वो सत्य है। रित संचालन व्यवस्था है, संचालन करने, इस सृष्टि के संचालन के जो नियम है, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के नियम आदि आदि, तो इन प्रकृति के मूलभूत नियमों को रित कहते हैं। इसको फिलहाल इतना समझ लें और विस्तार से चर्चा कल हम लोग करेंगे, आवश्यक हुआ। वैसे प्रश्न अच्छा है, इसको टाला नहीं जा सकता है, आपको हमारे पुस्तकों में इसका मिलेगा भी। मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा स्वामी जी, क्योंकि मुझको ना ऊटपटांग विचार आते हैं, मेरे कई बार इलॉजिकल थॉट आता है, ऐसा लगता है कि कुछ भी जादू जैसा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा था। कल और विचार कर लेंगे स्वामी जी। जी जी ओ, और किसी की कोई बात हो तो कर सकते हैं, और चाहे तो कोई विशेष प्रश्न ना हो तो समापन की ओर बढ़ेंगे, कुछ हो तो कह सकते हैं, से कुछ कहना है तो बताएं, नहीं तो समापन किया जाएगा। स्वामी जी नमस्ते। इसके तीसरे चरण में जो आया हुआ है, यत्र देवा अमृता मान आशा नास्तृतीय, मतलब जहां देवगण अमृत रूपी भोजन को खाते हैं वह तीसरा स्थान, ऐसा समझें क्या? स्वामी जी शायद आवाज हमारी आप तक पहुंची नहीं। हमारे विचार से यही मान लें इस बात को हमने कहा है कि वो ये अमृतम आनसाना, जहां देवगण अमृत का पान करते हैं, वो परमात्मा का दिव्य चेतन धाम है, सृष्टि से परे यही कह सकते हैं। ये संपूर्ण सृष्टि जो है उससे परे जो उसका दिव्य चेतन धाम है, वही अमृत धाम है, वही अमृत का प्राप्ति हो सकती है, देवगण वही अमृत को प्राप्त करते हैं, अमृत का पान करते हैं, यही अर्थ इसका समझा जा सकता है। तो क्या इसे वर्तमान विज्ञान की भाषा में इस तरह से भी मान सकते हैं कि जैसे अंतरिक्ष वगैरह के अंदर कभी कोई एक अंतरिक्ष यान में दिक्कत आ गई थी, तो वहां पर जो उसके चालक दल थे उन्होंने उसको सुधारने का प्रयास भी किया था, तो उसमें उनकी जो जीवनी आई थी कि उन्होंने अपने आप को वहां से बेल्ट से बांध करके फिर वहां निकले, तो ऐसा लगता कि वहां वो हवा में तैर रहे, कोई वजन ही नहीं होता। क्या उसको इस तरह से माना जा सकता है कि जिससे उनकी आयु गुरुत्वाकर्षण हीन होने से लंबी हो गई? ये बात थोड़ा सा विचलन है इस विषय से, इसको अधिक तो समझें, कल के लिए रखें। देखिए, अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण निर्भर करता है उस पिंड के आकार या द्रव्यमान पर। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत अल्प है, इसलिए वहां वायुमंडल नहीं है, वह वायुमंडल को रोक पाने में असमर्थ है। जितने श्रम से हम यहाँ चलते हैं, उतने श्रम से वहां पर चंद्रमा पर होंगे तो उड़ रहे होंगे, उछल कूद रहे होंगे, तो चूंकि वहां गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में बहुत न्यून है, अल्प है, तो वहां पर बच्चे भी कह सकते हैं बहुत तेज भाग सकते हैं, उछल कूद सकते हैं, जहां इतनी दूर में हमें पग रखते हैं उतने में तो हम बहुत दूर चले जाएंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण नहीं है बांधने का। तो अब अंतरिक्ष में जहां कोई पिंड ही नहीं था, तो गुरुत्वाकर्षण तो वहां शून्य है,
ऐसी बात है जिसे रित कहा गया, ये तो रित का नियम है कह लीजिए कि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण शून्य है, उसका इस विषय से तो कोई संबंध नहीं होना चाहिए मेरे विचार से। तो वो तो जैसे अब जो बड़े बृहस्पति पर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होगा, वहां पर हम जैसे साधारण लोगों का मनुष्यों का कह लीजिए हमें पृथ्वी पर जिस तरह से चलने की अभ्यास है, तो वहां तो उठना कठिन हो जाएगा, पैर उठाना कठिन हो जाएगा, वहां इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण होगा, तो उसके लिए तो हमें लगे उपाय करने पड़ेंगे। शनि ग्रह पर बृहस्पति पर जो आकार में पृथ्वी से कई गुना बड़े हैं, शनि बृहस्पति के तो चंद्रमा पृथ्वी जैसे बड़े बड़े हैं, तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होगा, स्वाभाविक है। तो गुरुत्वाकर्षण तो इस पर निर्भर करता है कि हम किस आकाशीय पिंड पर है, उसका द्रव्यमान कितना है, आकार कैसा है, और जहां कुछ नहीं है बिल्कुल अंतरिक्ष में है वहां गुरुत्वाकर्षण शून्य होता है। सामान्य नियम की बात है, रित की बात है, जो भी आप कह लें, तो उसका इन सब बातों से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। जी, इससे संबंध की बात नहीं है, जैसे इसमें जो बात आई ना देवा अमृत माशना, तो देवगण जो अमृत का भक्षण करेंगे, भोजन करेंगे, तो वो जगह ऐसी ही बन सकती है जो गुरुत्वाकर्षण रहित हो, इसलिए उसकी चर्चा आई। बाकी आपकी बात ठीक है, गुरुत्वाकर्षण विषय नहीं है, सिर्फ विषय देवत्व और अमृत को लेकर। वही हमने कहा कि जो उस अमृत पान करने की बात है कि वो स्थान, तो वो कह लीजिए कि वो तो इस सारे सृष्टि से परे है, ये गुरुत्वाकर्षण आदि ये सब सृष्टि के नियम हैं, सृष्टि संचालन के नियम हैं, वो तो जिसकी बात की जा रही है वो इन सारी स्थितियों से परे है। वहां गुरुत्वाकर्षण का होना ना होना क्या, वहां कोई आकाश कोई पिंड कुछ ऐसा कुछ होगा ही नहीं, वो तो विशुद्ध दिव्य चेतन स्थिति है वहां पर, वहां चेतना के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, कोई पदार्थ व्यक्त कुछ है नहीं, सब कुछ अव्यक्त परमेश्वर चेतना ही है वहां, ऐसा वेद के अनुसार हम कह सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। तो अब पुलकित जी समापन कर सकते हैं, और जो भी प्रश्न हो उसको रखें, कल प्रातः 11 बजे हम लोग उस पर विस्तार से चर्चा कर सकते हैं, ठीक है? तो पुलकित जी समापन करें, समय हो रहा है, कल प्रातः 11 बजे हम लोग फिर मिलते हैं। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को नमस्ते, सादर प्रणाम। आदित्य पुरुषः सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। आदिते पुरुषः सो असो अहम्, ओम क्रम ब्रह्मा, ओम क्रम ब्रह्मा। सभी को सादर नमस्ते जी। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्, ओम क्रम ब्रह्मा, ओम क्रम ब्रह्मा। सबको सादर नमस्ते। ओम यो असो आदित्य पुरुषः सो असो अहम्, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म। सभी को सादर नमस्ते। कल प्रातः 11 बजे हम विशेष साप्ताहिक वेद कक्षा में मिलते हैं, वहां पर हम सनातन धर्म से संबंधित किसी भी प्रश्न पर खुली चर्चा कर सकते हैं। तो आप लोग अभी से विचार करें, प्रश्न तैयार करें, और समय से कल 11 बजे हम लोग गंभीर चर्चा करेंगे सनातन धर्म पर। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम।